अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की जो जनरल चेंजेस होती हैं उनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियोस में तमाम टेंसेस को अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते, इनके अगर आपको टेंसेस सही तरह से नहीं आते तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आ सकते, क्योंकि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए टेंसेस का आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो आप उस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं तमाम वीडियोस बना चुका हूँ, टेंसेस के बारे में बड़ी डिटेल में बना चुका हूँ। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं, अभी मुझे टेंसेस को क्लियर करना है पहले, तो आप मेरी पिछली तमाम वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने तमाम टेंसेस को बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप समझते हैं कि नो, हमारे टेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, हमें टेंसेस आते हैं, तो फिर एक्टिव वॉइस को यानी कि टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो इसमें बहुत सी आसानियां हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए, यानी कि टेंसेस में तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी कि हम कौन सा वर्ब लगाएं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। तो इसमें कुछ सिंप्लिसिटीज हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। कुछ जनरल चेंजेस हैं जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उनको हम स्टडी करते हैं। एक और मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जो ऑलरेडी हम टेंसेस 12 के 12 जो हम टेंसेस कर चुके हैं उन सबको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और अभी जो हम कन्वर्जन करेंगे उनको हम पैसिव वॉइस कहेंगे, यानी कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इनकी जनरल चेंजेस की बात करें तो जो सबसे पहली चेंज आती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए, जो गिवन सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में उसका जो सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ चेंजेस आती हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि अपोजिट, एक्टिव वॉइस के अपोजिट। इसमें जो थर्ड चेंज है वो चेंज होती है वर्ब की। एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, तो कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी आसानी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए, कि कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो वर्ब की आपने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए आपने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। और फोर्थ जो कन्वर्जन है वो ये है कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो सेंटेंस के एंड पे ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल आता है, यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। एक और मैं बात आपको क्लियर कर दूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो एक्टिव होता है, वो एक्टिवली कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि वो पैसिवली यानी कि इनडायरेक्टली किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें वो जो सब्जेक्ट है वो पैसिवली काम कर रहा होता है, मीन टू से कि वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये एक्टिवली काम कर रहा होता है, यानी कि डायरेक्टली काम कर रहा होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम
एक पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।